मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। अपनी याचिका में दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज की तारीख तय की गई थी और आज सुबह 10:30 बजे फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनकी गिरफ्तारी, ईडी की रिमांड को चुनौती दी गई है, याचिका दाखिल की गई है। फैसला जो है इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनाया जा सकता है। 10:30 बजे का ये वक्त यहां पर सामने आ सकता है। और दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज उन्हें फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और सभी आरोपियों को बतौर आरोपी पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। इस मामले में ईडी के बाद अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने भी पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया था। और देखिए, दो मामले हैं जहां पर आज अरविंद केजरीवाल को इस कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजरना होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी यहां पर पेशी होगी और साथ ही उनके जरिए उनकी रिमांड गिरफ्तारी को चुनौती भी दी गई है। और देखिए, शराब नीति केस में ईडी ने मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। 208 पेज की, यानी कि 208 पन्नों की चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मामले का किंग पिन और साजिशकर्ता बताया गया था। चार्जशीट में कुल 38 आरोपी बनाए गए, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 और आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया गया। ईडी ने कहा कि रिश्वत के पैसों के गोवा चुनाव में इस्तेमाल की जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी और वो इसमें शामिल भी थे। इस चार्जशीट में सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान की व्हाट्सएप पर बातचीत भी हुई और व्हाट्सएप चैट की जो डिटेल है वो भी चार्जशीट में दी गई है। आरोप है कि के कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25 करोड़ 50 लाख रुपए गोवा चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी को पहुंचाए थे।